स्कोर मुकम्मल हो चुके हैं 50। सातवें ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी है। आठवें ओवर की 2 गेंदें बाकी है। स्ट्राइक पे मौजूद दला आए, फुल टॉस बहुत ही स्कोर एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से निकाले हैं, फील्डर मौजूद था। पांच बार, 2 गेंदे बाकी, 8वें ओवर की 2 गेंदे बाकी है। अब सामना करेंगे फहद लाला रिजवान का। स्कोर बढ़ता हुआ, बोलान कद मौका इस्तेमाल किया और आहिस्ते से गेंद को खेले। ओवर 8 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 52 है मजमू स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट, 19 पे 4 आउट थे और अब स्कोर हो चुका है 52, 4 खिलाड़ी आउट। आठ ओवर 52 रन, बॉलिंग के लिए लाया गया है जोराब। जोराब को राइट आर्म मीडियम बॉलर है जोराब, सामना करेंगे आकिब बारी जोराब का। तो यार शायद खबर ही की यार यार नो शायद खिपुर रेडी नहीं संगा बाल डर पड़े वैसे गलत हाँ नो शायद तो रेडी दिया कसम खबर ही की ऐ फील्डिंग को तो लगा आगे तो दारा खेला शायद बेब आगू जंग की संगा नो रा कर लिया था सुबह नो रा का बेब मुसीबत ही मार दो जो को स्कोर की खेल रहा थी कैच ड्रॉप हो गया है फहद लाला का, था थोड़ा सा मुश्किल लेकिन था ही अच्छी की है दौलत खान ने। लास्ट नौ ओवर की आखिरी गेंद, सामने स्ट्राइक पे मौजूद आकिब। पर शायद
छह रन के लिए बिल्कुल स्ट्रेट पे गेंद को बाहर फेंक दिया है आकिब ने। इस छह रन के साथ स्कोर हो चुका है 62-9 के अख्तितम पर, चार खिलाड़ी आउट। एक वक्त था जब 19 पे 4 आउट थे बजने बेर के, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई यहाँ पे फहद लाला और आकिब बारी ने। बिल्कुल ही गलत शॉट नहीं खेले और बहुत मुहतात अंदाजे से खेले हैं दोनों बैट्समैन। 62 स्कोर 9 ओवर 62 और स्कोर को पहुंचा दिया है 62 रन तक। वही चार खिलाड़ी आउट है। अच्छी पार्टनरशिप लगी है दोनों बैट्समैनों के माबेन। बॉलिंग के लिए लाया गया है नियाज को, राइट आर्म मीडियम बॉलर है नियाज। सामना करेंगे फहद लाला नियाज का। आपको पार्टनरशिप के बारे में बताएं कि इस स्कोर पड़ता हुआ 63। अच्छी कट खेले थे आकिब, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। रिजवान की जानिब से अच्छी गेंद, एक बार फिर बीट हुए लाला फहद लाला। चार बॉल चार, टू लेफ्ट। 10वें ओवर की 2 गेंदें बाकी। विकेट पे इस वक्त मौजूद है आकिब बारी और फहद लाला, दोनों ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, नहायत मुहतात अंदाज से खेल रहे हैं। और ये वाली भी शॉट नहीं आई ना, लास्ट लास्ट अबार 10 ओवर 66 स्कोर 10 ओवर 68। दस ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 66 है मजमू इसका। चार खिलाड़ी आउट, 19 पे 4 आउट है, 66 पे भी 4 ही आउट हैं। बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप कायम किया यहाँ पे फहद लाला और आकिब बारी ने। नहायत ही मुहतात अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, विकेट ना दें तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं।
बॉलिंग में चेंजिंग करवाई गई है और लाया गया है अब कामरान को बॉलिंग करवाने के लिए। कामी राजा यार राजा कहना यार पुर्दे का जागे आधी आके पुर्दे कामी दौड़ते हुए आए गेंद की अच्छी गेंद और इसको तमाम दोस्त ये मैच शेयर करें आगे। बहुत ही ज़बरदस्त मैच पाक अफगान T20 कप का ये सेमीफाइनल मैच, पहला में सेमीफाइनल बजनबी और बाघवार किंग के माबेन खेला जा रहा है हमदान क्रिकेट क्यारी में। अच्छी गेंद और इसको उठा के बाहर फेंक दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए आके स्कोर 74। कामरान एक बार फिर आए गेंद की ओर इसको अच्छे अंदाज से कट किया है गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर गई और इस तरह 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78। 11वें ओवर का खेल जारी मुश्किलात का शिकार इस वक्त बाघवार किंग बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं आके 26 गेंदे खेलकर 42 रन बना चुके हैं अब तक। एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है बजनबियर का आकिब बारी यंग टैलेंटेड बैट्समैन है बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं बजनबियर की टीम में आकिब बारी बैटिंग लाइन जो है इस पर डिपेंड करता है और हर मैच में तकरीबन ये परफॉर्मेंस देते हैं और दिखाते हैं कि भाई मैं हूँ मुझ में टैलेंट है। ग्यारहवें ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे फहद लाला ओवर 11-79 11 ओवर के अख्तितम पर स्कोर हो चुका है 79। 4 खिलाड़ी आउट ऑफ बॉलिंग के लिए एक बार फिर आए हैं नियाज अफरीदी 79 11-11 यार और एक और छक्का आकिब के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का 49 रन पे पहुंचे हैं आकिब। स्कोर आकिब का हो चुका है 49 रन, सिर्फ एक रन के दूरी पर है अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। आकिब को एक रन चाहिए और कदमों का इस्तेमाल किया, कट किया पॉइंट की जानेब, फील्डर डीप है तो इस तरह एक रन बासानी मुकम्मल किया। दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं बन सकता दूसरा रन। इस तरह 50 मुकम्मल हो चुकी है आकिब बारी की। आकिब 50 था पूरे लास्ट बार का पूरा बार। ये है आकिब बारी जिन्होंने आज शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, 29 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है उमदा बल्लेबाजी आकिब बारी की। और आपको बताते चले कि जब भी बजनबियर की टीम मुश्किलात का शिकार होती है तो
आकिब ही ऐसा बैट्समैन है जो कि अपनी टीम को मुश्किल से निकालती है और विकेट पे स्टे भी करते हैं और साथ साथ में स्कोर भी करते हैं। थैंक यू शहजाद खान। एक और अच्छी गेंद, बीट हुए फहद लाला, गेंद सीधा विकेट कीपर दौलत खान के ग्लव्स में। 12वें ओवर का खेल जारी, 86 है मजमू स्कोर, वही चार खिलाड़ी आउट, 19 पे चार आउट थे, 86 पे चार आउट हैं। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगाई है यहाँ पे आकिब बारी और फहद लाला ने। कदमों का इस्तेमाल किया और उठाया है गेंद को, लॉन्ग आन के फील्डर के सर के ऊपर से बाहर फेंक दिया है 6 रन के लिए। हेलो, ऐसे 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92-92। 12वें ओवर की आखिरी गेंद, फहद लाला ने पहला चक्का लगाया है अपनी इनिंग्स में, 23 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए हैं और विकेट पे मौजूद है। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, आहिस्ता से खेले हैं और फील्डर बहुत भाई, 12-94। थैंक यू तनवीर भाई, कैसे हैं तनवीर भाई, ठीक हैं आप? उन्नीस पे चार आउट थे और बैटिंग के लिए फिर आए फहद लाला, आकिब बारी के साथ पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की और अब 94 स्कोर हैं, चार खिलाड़ी आउट। सही दे यार, गिंदी सरेज ना करी है। फाइनल पे 4 रन के लिए अकेले हैं और इस 4 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं बजनबीर के। जितनी भी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की कम है क्योंकि 19 पे 4 आउट और अब 100 पे वही 4 आउट, यानी 81 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। आके वो ओवर नपस्ता बदल के गया, ओवर नपस्ता बदल गया। काशिफ
चेंज कोर्स रे आगा दायरा क्यों करो आओ सचिन कम से मैदान पे दौड़ते हुए गेंद की बिट हुए अस फहर लाला गेंद विकेट कीपर के हाथों में तेरहवें ओवर की चार गेंदें हो चुकी है और स्कोर है 101 चार खिलाड़ी आउट चार चार दानी इनो दानी तेरहवें ओवर की आखिरी गेंद सामना कर रहे हैं आखिर रजा आए गेंद की और इसको अच्छे अंदाज से खेले फील्डर कवर पे मौजूद ओवर ओवर 103 तेरा ओवर 103 तेरा ओवर 103 राजा राजा लाला राजा लाला उदा बॉलर था सुरा शिकन दे राजा का नजर राजा का ना सोकी बॉलिंग एक सौ तीन तेरा ओवर ठीक है जी हाँ दिल आउट हो चुका था यार रन आउट हुआ था लुकमान स्कोर 103 चार खिलाड़ी आउट हुआ जोराब को लाए गए हैं बॉलिंग करवाने के लिए सामना करेंगे यदि आके बारी जोराब का जोराब दौड़ते हुए आए कदमों का इस्तेमाल किया है आकिब ने और गेंद को 6 रन के लिए आगे।
स्ट्रेट पे 6 रन के लिए खेले आके 34 गेंदे 64 रन बनाए हैं। एक और अच्छी शॉट है फहद लाला के बल्ले से निकलते हुए 6 रन के लिए गेंद को बाहर फेंक दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 116। स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ 97 की 65 पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बैट्समैनों के माबेन। एक और अच्छी गेंद बीट हुए फहद लाला 14 ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। लास्ट बॉल गेंद हवा में है, फील्डर कामी मौजूद है और इस तरह कैच पकड़ा है। इनिंग्स का इख्तिताम किया है लाला का और इस तरह ये जो 97 रन की पार्टनरशिप हुई उसका भी इख्तिताम हो चुका है बजना बियर के दोनों खिलाड़ियों के माबेन आकिब और फहद लाला के माबेन, जो 97 रन की पार्टनरशिप तोड़ चुके हैं। जोराब 14 ओवर की आखिरी गेंद पर नए आने वाले बैट्समैन हैं सजाद 116। क्वार्टर फाइनल के हीरो सजाद आए हैं बैटिंग करने के लिए। फहद लाला 30 गेंदों पर 29 रन की शानदार बैटिंग करने के बाद आउट हो चुके हैं। एक आसान कैच पकड़ा है कामरान ने। बजनबीर के लिए क्वार्टर फाइनल जितवाने वाला हीरो सज्जाद आए हैं बैटिंग करने के लिए। सज्जाद ने एक ऐसे मौके पे बैटिंग की कि 18 गेंदों पर बजनबीर को 53 रन चाहिए थे और बॉलर थे शीना सईद बफे वाला। तो सज्जाद ने पहले 3 गेंदों पर 3 चक्के लगाए, चौथी गेंद पर चौका लगाया, जबकि 5वीं गेंद उसने वाइड और 4 बाई के एक्स्ट्रा स्कोर दिया था। 27 रन बटोरे थे सज्जाद ने उस ओवर में। इस तरह बजनबीर को क्वार्टर फाइनल में जितवाया था। जगह 35 बॉल 65 35 गेंदों पर 65 रन बनाए हैं आकिब बारी ने। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, एक ऐसे मोड़ पर अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है कि बजना बियर बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी। अच्छी गेंद और रन आउट होने का खतरा है। यार
दानिश है बालर स्लो वन बहुत ही बीट हुए इस गेंद पर सजाद तीन गेंदें हो चुकी है 15वें ओवर की, तीन गेंदें बाकी है, स्ट्राइक पे मौजूद है डेंजर सज्जा। एक और डार्ट गेंद बहुत ही अच्छा मैच। इस ओवर के बाद दो ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। 118 है मजमू स्कोर, 5 खिलाड़ी आउट। एक और डार्ट गेंद, अच्छी बॉलिंग दानिश की जानिब से। पहले गेंद पर 2 रन बने और उसके बाद मुसलसल 4 गेंदें डार्ट करवा चुके हैं सज्जाद पर। स्कोर 118 19 पे 4 आउट थे और 116 पे 5वीं विकेट गिरी थी। अजनबेर की टीम की 97 की मजबूत पार्टनरशिप बनाई थी। इस तरह खेले हैं लॉन्ग आन की जानिब, फील्डर काफी मौजूद है और रन आउट होने का खतरा है और आउट हो चुके हैं रन सजाद। अवर 6 विकेट गिर चुकी है। 119 के मजमू स्कोर पर 1 रन बनाया, दूसरे के दौड़े लेकिन काशिफ के शानदार हाथों ने रन आउट करवाया सज्जाद को। 119 पे 6 विकेट गिर चुकी। यार असल में वो बात नहीं है, कजाफी आए हैं बैटिंग के लिए। बजनबेर के बहुत ही सीनियर बैट्समैन कजाफी, जो कि कभी कभार ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे बजनबेर के, लेकिन आजकल बहुत ही लेट पोजीशन पे आते हैं, 7वें नंबर पर आ जाए हैं बैटिंग करने के लिए। पे 6 विकेट गिर चुकी है। रजा है बॉलर, सामना करेंगे आकिब रजा का। ओ अच्छी शॉट, गलत तो गलत। 6 रन के लिए उठा के बाहर फेंक दिया है गेंद को आखिब ने। रिजान 62 यार। ए नहीं मामा, ट्राउजर वाचो ट्राउजर।
नहीं मामा तो ट्राउजर आशो ट्राउजर और आज के मासे तो रिजवान इसार भाई को आखो उसको उसको ट्राउजर 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 नहीं भाई को ट्राउजर ट्राउजर इसार भाई को आखो सातवीं विकेट गिर चुकी है आखिब शानदार बल्लेबाजी के बाद आउट हो चुके हैं स्कोर है 127 127 19 पे चार आउट और 127 नहीं मामा आए हैं बैटिंग करने के लिए अलग शाह तक अलग कवर थोड़े का चेक रिजान लास्ट है लास्ट टच है टच आवाज आवर आवर आठ रन रिजॉन स्कोर रिजॉन ए अगर शो रहा था बारह देखा था डायरी मने खबर कपन ओका कन मने कन नदी को जी इमरान भाई आखिब आउट होगा ना ये आखिरी ओवर है और गेंद चार रन के लिए थर्ड बैन की जानिब चार रन के लिए गए हैं बाहर बाउंड्री से स्कोर बढ़ता हुआ 132 जी दो बार हाँ इमरान अबर तो करना आके बढ़ताओ थे कजासी करता हो दसी ब्याह कत नहीं खिलाड़ी उठी तुम चिरा नहीं कि बड़े काटता लगा और बोल्ड कर दिया है कजासी को पता चला कर कोई मार हेर हेर चले मार
काशिफ आए हैं बैटिंग करने के लिए। टोटल ओवर जो है जाहिद भाई 17 है जी, 17 ओवर है, 132 स्कोर हो चुके हैं। एक मौका था जब 19 पे 4 आउट थे बजने बेर के, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है आकिब ने आते हुए ग्राउंड के चारों तरफ पे शॉट्स खेले और बहुत ही शानदार इनिंग्स के लिए आज जितनी भी तारीफ की जाए कम है आकिब की। उसके साथ फहद लाला ने भी बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया आज और विकेट पे स्टे किया, विकेट पे रहे, सिंगल डबल करते रहे, जिसकी वजह से एक 97 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनाई आकिब और फहद लाला ने। इस तरह बजने बेर की टीम 132 तक पहुंचने में कामयाब रही। अब ये जो है फाइटिंग मैच, फाइटिंग स्कोर है इस विकेट पे। 3 गेंदे बाकी है पहले इनिंग्स की, बैटिंग के लिए आए हैं काशिफ। सामना करेंगे दानिश का, दानिश दौड़ते हुए आए गेंद की और गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की जानेब, फील्डर बहुत दूर था और ओ लगी दो। राजा 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 कहना बैट्समैन देखा कहना दोबारा पास दो टोटल ओवर 17 है और अब आखिरी गेंद है, 17वें ओवर की आखिरी गेंद। सामना करेंगे नईम लाला और इस तरह शॉट खेली है फील्डर काशिफ दौड़ते हुए आए। ओवर एक रन बनाया है, 137 टारगेट, 137 का टारगेट दिया है बजना बियर ने। उधर चेक होगा रिजवान टारगेट कितना, 137 टारगेट रिजवान भाई, 34 है, 32 है, 32 में दो बने और एक ये एक रन रन आउट में जो बना, छत्तीस स्कोर है, 37 टारगेट।